बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन आज। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी। दो पालियों में भर्ती परीक्षा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 48,017, देखिए किस तरीके से संख्या सामने आ रही है, अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है इस भर्ती परीक्षा के दौरान। देखिए किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। 15,48,959 महिला अभ्यर्थी, और साथ ही साथ बता दें कि 6,00,000 से ज्यादा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी है। बिहार की बात करें तो बिहार से भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है। संख्या 2,00,000 से ज्यादा बिहार के अभ्यर्थियों की, और ऐसे में ये परीक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, लगातार निरीक्षण, और इसमें प्रशासन की नजर भी लगातार बनी हुई है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, एटा से हमारे साथ आरबी द्विवेदी, साथ ही साथ सूर्यवीर गाजीपुर से, सुहेल गौर सहारनपुर से, और अफसर अली हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हैं। अफसर, सबसे पहले आप ही का रुख कर रही हूं, देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा, इसको लेकर परीक्षा केंद्रों में किस तरीके से यहां पर अलर्टनेस बरती जा रही है, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? जो है भारतीयों का पेपर है, अमरोहा जिले की बात करें तो अमरोहा जिले में 34 सेंटर बनाए गए हैं। लगभग 17,000 बच्चे जो है आज अमरोहा जिले में पेपर दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर जो है सुबह सवेरे से ही पुलिस कर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं, और जो लोकल में SDM CO सहित जो भी पुलिस फोर्स है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। और जो है परीक्षा केंद्रों पर पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए हैं, ताकि जो है किसी भी ब्लूटूथ मोबाइल का सर्वर जो है वो परीक्षा केंद्रों के लगभग 200 मीटर के आसपास भी काम न करे। तो अमरोहा पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है, और ये परीक्षा 2 दिन चलेगी और अलग अलग 2 पालियों में चलेगी। ठीक है, और हमारे साथ सूर्यवीर भी गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, देखिए भर्ती परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है, 2 दिन की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी, लेकिन इंतजाम क्या दिख रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर? क्योंकि देखिए घर से पहले जैसे ही निकलेंगे छात्र, उनके लिए जो तमाम गाइडलाइंस है उनको भी जान लेना बेहद जरूरी है। आज और 2 पालियों में कल परीक्षा भर्ती होगी, और उसके साथ ही यहाँ पर 45 सेंटर बनाए गए हैं और 17 मैट्रिक की नियुक्ति की गई है। 45 सेंटर में यहाँ पर 72,000 परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों में महिला और पुरुष दोनों हैं, और विभिन्न जनपदों से भी आए हैं और यहाँ के भी जनपद के लोग हैं। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस सौगंध की गई है, और पुलिस प्रशासन लगातार चकमक कर रहा है। यहाँ पर सेंटरों के पास जैमर भी लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर कोई मोबाइल या ब्लूटूथ का उपयोग न कर सके। DM और SP लगातार चकमक कर रहे हैं, और परीक्षा के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है और कतार में खड़े। ठीक है सूर्यवीर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आरबी द्विवेदी भी एटा से जुड़े हुए हैं। आरबी, देखिए 75 जिलों के 2385 केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा होनी है, ऐसे में अगर एटा की बात करें तो एटा के अंतर्गत कितने परीक्षा केंद्र है और क्या इंतजाम? आरबी, आवाज मिल रही है आपको? शायद हमारा संपर्क आरबी से नहीं बन पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बहरहाल हमारे साथ सोहेल गौर भी जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। सोहेल, अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के अंतर्गत कितनी केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर नकल को लेकर के यहां पर किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? G
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती इस समय जारी है। आज 17 और 18 तारीख में अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के अंदर ये पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है और इसकी तैयारियों के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सहारनपुर के अंदर 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 6 जोनल और 16 सेक्टर के साथ साथ जो है 47 सेक्रेटरेट मजिस्ट्रेट भी यहाँ तैनात किए गए हैं, बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो सहारनपुर के अंदर 90,432 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में भाग लेंगे। इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की बात की जाए और परीक्षा को जो है नकल विहीन बनाने की बात की जाए तो सहारनपुर के इन सारे केंद्रों के आसपास के जितने भी फोटो स्टेट की दुकानें हैं, साइबर कैफे हैं और इसके साथ साथ जो है जितने भी स्टेशनरी की दुकानें हैं वो सारी की सारी इस परीक्षा के दौरान बंद रहेगी। सहारनपुर के सभी परीक्षा केंद्रों पर समुचित जो है पुलिस व्यवस्था की गई है, जैमर लगाए गए हैं, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर बात की जाए तो परीक्षा के अंदर ले जाना पूरी तरह बैन है और साथ ही साथ जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं आप सभी को रोकना चाहोगे। इस बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस परीक्षा केंद्रों पर, पुलिस का पहरा परीक्षा केंद्रों पर, सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त ये बड़ी खबर आप बताने चाहते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, तमाम वो परीक्षा केंद्र जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो यहां पर देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरीके से यहां पर इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ आरबी द्विवेदी लगातार बने हुए। आरबी, एटा की अगर जिक्र करें, एटा की अगर बात करें तो एटा में कितने परीक्षा केंद्र है, क्या इंतजाम है और नकल रोकने को लेकर के तमाम यहां पर जो प्रशासन है वो कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, जो तकनीक है उसका सहारा लिया जा रहा है, जैमर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में तस्वीर क्या कहती है एटा की? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिला प्रशासन की तैयारी आप देख सकते हैं, किस तरीके से पुलिस यहाँ पर बारीकी से जांच कर रही है और वहीं पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र होते हैं, मोबाइल हुए, इस तरीके से उनको लेकर के यहाँ जमर भी लगाया गया है, इससे कोई अंदर इंटरनेट का और उसका मोबाइल का कोई इस्तेमाल ना कर पाए। वहीं पूरे मार्केट को बंद करा दिया गया है, इसीलिए जो है फोटो स्टेट की जो और भी दुकानें हैं इसी को लेकर के बाजार भी बंद कराया गया है। और बड़ी पहला कह सकते हैं कि पहली बार इस तरीके से जो है इतनी ईमानदारी से उससे परीक्षा कराई जा रही है। ये पुलिस की जो भर्ती को लेकर के जो छात्र हैं उनमें भारी जोश देखा जा रहा है, वही पुलिस में बारीकी से जांच की गई है और जो प्रतिबंधित सामान है उनको हर चीज को चेक करके उनको निकलवा दिया गया है। वही क्लब रूप बनाया गया बराबर में, वही क्लब रूप में वो सामान को निकलवा करके रखवाया गया। तो कह सकते हैं ठीक है। आरबी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मधुर भी इटावा से बने हुए हैं। मधुर, देखिए जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं तमाम जिलों की जहां पर परीक्षा होनी है, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए, इटावा की तस्वीर क्या कहती है, कितने केंद्र और इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इटावा में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जहां मुस्तैद है तो वहीं जिला प्रशासन ने भी परीक्षा कराने का पूरा जिम्मा उठाया हुआ है। यहां इटावा जनपद में 30 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 24 केंद्र तो इटावा शहर में स्थापित है तो वहीं 6 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में, और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस फोर्स मौजूद है। तो वहीं जहां केंद्र मौजूद है वहां जैमर लगे हुए हैं। अंदर आप देख रहे हैं कि अंदर काफी बड़ा ग्राउंड है, हम लोग जब अंदर पहुंचे तो वहां मोबाइल काम नहीं करे इसलिए मुझे बाहर यहाँ आना पड़ा। और सुरक्षा की दृष्टि से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहां दिखाए किस तरीके से यहां परीक्षा केंद्र पर इन चीजों को बिल्कुल ले जाना वर्जित है, जहां पेपर, पेंसिल, यहां तक कि हेडफोन और घड़ी और खाने पीने के सामान और टोपी वगैरह भी अंदर ले जाने के लिए बिल्कुल वर्जित है। भाई मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने यहाँ जिस तरीके से सतर्कता बरती है वहां आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे विद्यालय सारे बंद कर दिए हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जिससे कि यहाँ आने जाने वाले विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं इटावा जिला प्रशासन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने हर चौराहे पर एक केंद्र बनाया है जहां पर परीक्षार्थी अगर कहीं भटकता है या भूलता है उनका केंद्र कहां पर है तो वो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी उनको बताएंगे और उनके केंद्र तक पहुंचाने में उनकी सहायता भी करेंगे। मधुर, अगर गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस क्या जारी की गई है, क्योंकि देखिए घर से जब छात्र अभ्यर्थी निकलेंगे उन सबके लिए वो गाइडलाइंस जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। जी हाँ, गाइडलाइन तो यहाँ का काफी जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अंदर सिर्फ परीक्षार्थी ही जाएंगे और परीक्षा केंद्र से करीबन 500 मीटर पहले ही उन्होंने वाहनों को भी रोक दिया गया है, कोई भी वाहन अंदर नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पेंसिल
और प्रवेश पत्र ही लेकर परीक्षार्थी अंदर जाएंगे, कोई भी अन्य कागज भी अंदर ले जाने के लिए सख्त मनाई कर रखी है। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और बड़ी खबर आगरा से, जहां आगरा में सॉल्वर गैंग के दो ठग गिरफ्तार किए गए। 10 लाख में पुलिस परीक्षा पास कराने के नाम पर करते थे ठगी। एसटीएफ पुलिस ने अभ्यर्थी बनकर देखिए किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा है। 25,000 से 50,000 एडवांस लेकर काम करते थे अभ्यर्थी, मूल प्रमाण पत्र रख लेते थे अपने पास, और इसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ झाला किया जाता था। आरोपियों के पास से 47,000 नकदी भी बरामद की गई है, 15 अंधकथन लिखताएं भी यहां पर। और सभी संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ।